मानसून आने में बहुत कम समय रह गया है। जिला प्रशासन मनरेगा के तहत तालाबों की खुदाई के लिए बेहद गंभीर है। प्रशासन ने 200 तालाब चिन्हित किए हैं। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के तहत मनरेगा से तालाबों की खुदाई की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल का कहना है कि फर्जी आंकड़े और गुमराह करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री सरोवर योजना के तहत मनरेगा से तालाबों की खुदाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन कई तालाबों का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आगरा जनपद में 200 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिनकी खुदाई होनी है। मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में तालाबों की खुदाई का काम कराया जा रहा है। देखिए, इस वर्ष 200 से अधिक अमृत सरोवर जो है वो चिन्हित किए गए हैं और उन पे काम भी लगातार चल रहा है जनपद में। और इन 200 से अधिक जो तालाब चयनित किए गए हैं, इन्हें एक तरीके से आइडियल सरोवर के रूप में, अमृत सरोवर के रूप में बहुत ही जल्द बारिशों से पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक में 10 से अधिक इस तरीके के तालाब भी चयनित किए गए हैं जो बारिशों के दौरान ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो इन तालाबों के ऊपर भी पंचायत, ग्राम पंचायत निधि के द्वारा काम किया जा रहा है ताकि इन तालाबों की भी जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सके और ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के आवास या आसपास के खेतों में पानी ओवरफ्लो ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की खुदाई की जिम्मेदारी बीडीओ को दी गई है। हर ब्लॉक में 10 तालाब खोदे जाने का लक्ष्य है। मानसून आने से पहले तालाबों की खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। तालाबों की खुदाई की मॉनिटरिंग कराई जा रही है। तो 200 प्लस अमृत तालाब, इसके अतिरिक्त 150, क्योंकि 15 ब्लॉक हैं, 150 प्लस हमारे ऐसे तालाब जो कि ओवरफ्लो हो जाते हैं कम कैपेसिटी के कारण। और इसके अतिरिक्त जो हमारे 3 साल से पहले के ऐसे तालाब जिनमें मनरेगा के द्वारा पहले काम किया गया है और अब 3 साल से कोई काम नहीं हुआ है, उन सभी को भी चयनित करके बारिशों से पहले कार्य कराया जा रहा है ताकि बारिशों से पहले हमारे जो तालाब हैं उनमें जल संचयन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी काम पूरे हो सके। देखिए, इस चीज़ के लिए भी सुपरविजन का एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है और इसमें CDO साहब, DC मनरेगा, संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण जो कि ज़िले स्तर के हमारे विकास भवन में हैं, उनके द्वारा इन तालाबों का निरीक्षण भी किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली ब्लॉक में BDOs इसका सुपरविजन करेंगे और हमारे द्वारा भी सुपरविजन कराया जाएगा। भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के लिए शासन और प्रशासन ने तालाबों की खुदाई का काम शुरू कराया है ताकि भूगर्भ जल स्तर बढ़ सके। तालाबों की खुदाई के लिए प्रशासन बेहद गंभीर है। पिछले साल कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें मानसून आने से पहले तालाबों की खुदाई नहीं हो पाई थी। जिम्मेदार अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े पेश किए थे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल का दावा है कि मॉनिटरिंग के तहत अगर गलत सूचना मिली तो जिम्मेदार अधिकारी दंडित होंगे। सी न्यूज़ के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।